तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सरकार है कि उनके मांगे मानने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पुंडरी में युवा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने पुंडरी हल्का विधायक रणधीर गोलन के कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। विधायक समर्थन वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 हरियाणा का भाईचारा जिंदाबाद, 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 पुंडरी विधायक समर्थन वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। और विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि कल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करें, ताकि केंद्र सरकार पर तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने का दबाव बनाया जा सके। जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों को ये चीज ज्ञापन के माध्यम से ये चीज याद दिलवाने आए हैं कि आप कल सरकार के खिलाफ वोटिंग करें, ताकि प्रदेश का देश का किसान दिल्ली में जब बैठा हुआ है वहाँ से उनकी सम्मानजनक वापसी हो, ताकि सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस ले। तो आगे क्या नीति है? आगे की नीति ये है, आज हल्का विधायक रणधीर गोलन जी के निवास स्थान पर उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के मार्फत ये अपील की गई है कि कल होने वाली वोटिंग में आप सरकार के खिलाफ वोट करें। अगर आपने सरकार के खिलाफ वोट नहीं की तो आने वाले समय में पुंडरी हल्के का किसान, मजदूर, तमाम तरह के लोग जिनकी वोट से आप चुनकर विधानसभा में गए थे, ये किसान बहुल्य क्षेत्र है पुंडरी, और किसान की वोट से आप आज आप विधानसभा में बैठे हो, हम आपको याद दिलवाना चाहते हैं, हम आपको चेताना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में आपने ये कल के समय में अगर आपने सरकार के पक्ष में मतदान किया तो पुंडरी हल्के का किसान, पुंडरी हल्के का मजदूर, पुंडरी, पूरे पुंडरी हल्के में जहाँ पर भी आप जाओगे, हर गाँव में राजनीतिक कार्यक्रम करोगे, जो भी करोगे, आपका घेराव किया जाएगा और आपसे इस्तीफा मांगा जाएगा। विधायक ने अगर कल सरकार के पक्ष में मतदान किया तो आने वाले समय में पुंडरी हल्के में विधायक का घेराव किया जाएगा। जिस तरह से किसानों में सरकार के प्रति रोष फूटता जा रहा है, देखना होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।